देखिए राघव और धर्मेश की दोस्ती के बारे में तो आपको पता होगा। जब राघव इंडस्ट्री में आए थे तो कुछ दिन टेरेंस के घर रुके थे, फिर वो धर्मेश के घर रुके थे और धर्मेश ने उनको डांस में काफ़ी ट्रेन भी किया, क्योंकि धर्मेश आपको पता है टीचर रह चुके हैं। और जब बात आती है म्यूजिक में बीट्स पकड़ने की तो नोबडी इज़ बेटर देन धर्मेश सर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे शोज़ के बारे में जो धर्मेश और राघव साथ मिलकर करते थे और किसी कारणों के बीच वो रुक गए थे। देखिए आपने एक यूट्यूब पर शो देखा होगा जिसका नाम था राघव के रैप डे, या फिर आपने देखा होगा डांस प्लस के जो बैक हैंड जितनी भी स्टोरेज होती थी वो धर्मेश और राघव रिवील किया करते थे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कब ये शोज आएंगे और राघव के रैप्टे के बारे में क्या राघव के पॉइंट ऑफ व्यू हम कब स्टार्ट करेंगे और कौन कौन होने वाले हैं उनके गेस्ट। देखिए बीते दिनों राघव का इंटरव्यू हुआ था जहां लोगों ने काफी सारे सवाल किए उनसे कि सर देखिए आपके ऊपर इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, बहुत सारे मेकर्स ने इवन मना भी कर दिया कि आपके साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि शो को कभी भी बायकॉट किया जा सकता है, कभी भी यूट्यूब से डिसलाइक आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि भाई आप कुछ भी बोल देते हो कुछ भी कर देते हो। तो ऐसे में राघव ने कहा कि बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर डिपेंडेंट ही नहीं रहूँगा, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो मेरा खुद का होगा। अब देखिए अगर वो किसी भी चैनल पर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, सोनी पे कर लो, जी पे कर लो, कलर्स पे कर लो, स्टार्स पे कर लो, हर कहीं उनके साथ प्रोड्यूसर्स होंगे, हर कहीं उनके पास डायरेक्टर्स होंगे। लेकिन एक ऐसा शो था जहां पर वो खुद अपनी मर्जी के राजा हुआ करते थे, शो का नाम था राघव के रैप डे। अब देखिए राघव के रैप डे के बारे में आपको कंप्लीटली पूरी पूरी बात बता देता हूँ। देखिए जब ये शो आता था तो उस वक्त सिर्फ एक ही गेस्ट हुआ करते थे, या फिर कहूँ भाई जो ये शो था ये दो बंदों ने ही मिलकर चलाया, पहला धर्मेश और दूसरा राघव जुआल। लेकिन राघव इस बार बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं अपने शो के साथ। देखिए यूट्यूब पर इनका अच्छा खासा शो चल रहा था, लोग देख रहे थे, शो का नाम राघव के रैप डे आपको पता था, लेकिन अब वो क्या प्लान कर रहे हैं, अब वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जहां पर वो प्रॉपर यूट्यूबर ही कहलाएंगे। अब देखिए टीवी पे उनको खतरा है, कोई भी इंसान आकर उनका शो बंद करवा सकता है, ये हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना है, लेकिन यहाँ पर अपनी मर्जी से गेस्ट आएंगे। देखिए रिसेंटली मनीष पॉल ने एक शो स्टार्ट किया जहाँ उन्होंने भारती का इंटरव्यू किया, मोस्टली सेन का इंटरव्यू किया, लगभग जितने भी उनके दोस्त थे सबका इंटरव्यू करते आ रहे हैं। ठीक ऐसा ही शो चलाने वाले हैं राघव जुआल, लेकिन वो लीन हो जाएंगे कम्प्लीटली फिल्मों की प्रमोशन के लिए, क्योंकि राघव का जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है वो मूवीज़ ही हैं, उन्होंने आगे चलकर मूवीज़ ही करनी है, जिसके लिए यहाँ से वो लोगों के साथ लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट होंगे और मोस्ट ऑफ उनका फोकस है कि वो अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को बुलाएं, अच्छे अच्छे एक्टर्स को बुलाएं और राघव के रैप डे में सबको करें एंटरटेन। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस शो में राघव और धर्मेश दोनों हों और वो लोगों का इंटरव्यू करें। अब आप इस चीज़ को लेकर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि भाई आपको राघव के रैप डे में धर्मेश और राघव दोनों चाहिए या फिर राघव जुआल अकेले लीड करें। देखिए धर्मेश के पास भी ऑलरेडी बहुत सारा काम है, काफ़ी मूवीज़ आ रही हैं, टीवी शोज़ कर रहे हैं, अगर आपको उनकी खैर खबर नहीं है तो आप चैनल पर और भी वीडियोज़ देख सकते हैं जहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन कौन से शोज़ और किन किस मूवी में धर्मेश आने वाले हैं। बाकी राघव के रैप्टे में आपका क्या ख्याल है इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हैं। बाकी मैं मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।